श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। नोटबंदी ने हिंदुस्तान को कैश के लिए लाइन में खड़ा कर दिया है। कैश की मारामारी बढ़ी तो भारी तादाद में लोग कैशलेस हो गए, लेकिन सवाल ये है कि हमारे मंत्री, सांसद और नेता कितने कैशलेस हुए हैं? नोटबंदी ने उनकी जिंदगी पर कितना प्रभावित किया है और कितना प्रभाव डाला है? इन्हीं सवालों के साथ आज तक संवाददाता अशोक सिंघल ने केंद्रीय मंत्री कृष्णराज से खास बातचीत की। तो ना मैं गाड़ी में पेट्रोल भरा सकी और ना ही एटीएम की लाइन में खड़ी हो सकी। जैसे किचन पहले चलता था, किचन वैसे ही चल रहा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे इतना फर्क पड़ा है, आप यहाँ जाइए, दवाई के लिए हमसे 300 रुपया डेली मांगता है, 1000 रुपया मांगता है। जो MOS है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में कृष्णा राज जी, उनकी किचन में हम जाके देखेंगे, उनसे बात करेंगे कि नोटबंदी के बाद क्या परिवर्तन आया। आइए चलते हैं कृष्णा राज जी के पास। कृष्णा जी, अच्छा आप किचन में ही हैं आज इत्तेफाक से। नोटबंदी के बाद घर चलाना कितना मुश्किल है और कैसा है? देखिए, नोटबंदी के बाद मुझे कोई दिक्कत, जैसे मेरी किचन पहले चलती थी वैसे ही, और मुझे ये फरे बनाने पसंद और खाने भी बहुत क्या पसंद। बना रही हैं? क्या बना रही हैं? ये चना उड़द और इसके दाल के चावल के आटे में, ये मैं फरे बोलते हैं इसको, इसको मुझे पसंद भी है, इसलिए आज मैंने कहा कि आज मैं इसको बनवाऊंगी और मैं खुद बना रही हूँ साथ में मिल करके, मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन नोटबंदी का क्या परिवर्तन हुआ? पहले किचन में आप सामान लाती थी घर से, खाना बनाती थी, और नोटबंदी के बाद लोग कह रहे हैं महंगा हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया आपकी जिंदगी। जैसे किचन पहले चलता था, किचन वैसे ही चल रहा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, और किसी को भी, मैंने अपने अलावा मैंने और लोगों से भी बातचीत की, किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा चीज़ें मैंने देखा कि कुछ कुछ सस्ती भी मुझे दिखी, जो मैं खुद भी कभी कभी मार्केट में पता करने लगती हूँ, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पता चला, और मेरे साथियों को जिससे बात की उनको भी कोई ऐसा फर्क। मैं आज किचन में वैसे ही हूँ जैसे मैं पहले। मंत्री बनने के बाद किचन में अक्सर आती हैं? अक्सर आती हूँ, मुझे फरे बनाना भी पसंद है, मुझे फरे खाना भी पसंद है, और आपको मुझे खिलाना भी पसंद है। देखिए आप खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। खाएंगे कृष्णा जी, जरूर खाएंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि नोटबंदी को लेकर सवाल उठा रहे विपक्ष कि उससे नुकसान हुआ है, आपको क्या लगता है? देखिए बिल्कुल नहीं, आज जो मैं अभी हम परिवर्तन यात्रा में, विशेष करके मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, वहाँ मैं थी, इतनी भीड़, इतना उत्साह, इतना कभी नहीं देखा। मैं ये कह सकती हूँ, मैंने जब बातचीत किया तो लोगों को लगा कि बहुत अच्छा हुआ है, और साफ सुथरा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश का काला धन जो है आम जनता तक पहुंचना चाहिए, इस बात से आम जनता बहुत खुश है और लोगों तक पहुंचने जा रहा, आम आदमी की पहुंच में सारी चीज़ें आ गई, और समरसता की बात हम करते थे, सबका साथ सबका विकास हमारा नारा फलीभूत हो रहा। कृष्णा जी ये बताइए, कुछ पैसे की लाइनें अभी भी लगी हुई, वो ख़त्म नहीं हुई हैं, जबकि कहा गया था कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। थोड़ा सा कोई व्यवस्था होती है, थोड़ा सा थोड़ी सी है दिक्कत, लेकिन सारे खुश हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। इतना बड़ा राष्ट्र का परिवर्तन हुआ है, तो ऐसे में तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत कुछ भी परिवर्तन होता है, लेकिन सब खुश है, पूरा देश खुश है, इस बात में खुश है सब। तो कृष्णा जी का कहना है कि नोटबंदी से फायदा हुआ है आम गृहिणियों को, चाहे वो नेता हो या आम गृहिणी हो, सबको इसका फायदा हुआ है। कैमरामैन फैजान के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।